everybody. Let's start with the chapter number 6, that is molecular basis of inheritance of a biology book. We are going to discuss about each and every topic in detail in different videos. You can check more videos in playlist section. So today's topic is about DNA, structure of DNA and packaging of DNA, organization of DNA in prokaryotes, eukaryotes, how DNA form, length of DNA, base pair. So अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है या आप समझना चाहें तो आप वीडियो को एंड तक देखिए. सो अगर हम डीएनए की बात करें, व्हाट इज डीएनए? डीएनए ऑफ डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. सबसे पहले अगर हम डीएनए वर्ड की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए एक पॉलीमर है. पॉलीमर क्या होता है? कॉम्बिनेशन है किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर क्या बनता है? डीएनए बनता है. और अगर हम न्यूक्लियोटाइड की ही बात करें तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट. मतलब डीएनए बनता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर. और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो वो अगेन दो चीज को मिला के बनता है, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट. अब अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, तो न्यूक्लियोसाइड अगेन दो चीजों को मिला के बनता है, नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर के अंदर जो लिंकेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एन मतलब नाइट्रोजन पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा. फॉस्फेट के अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है. मेनी न्यूक्लियोटाइड्स अगर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं लिंक करते हैं 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं. डायग्राम के अंदर आपको डिटेल में समझ में आएगा. और ये किस में होता है? डीएनए और आरएनए दोनों में ही होता है. ये रहा स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी का ही है. फिफ्थ फॉस्फेट यानी पी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फॉस्फेट को. और थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है? हाइड्रोक्सिल. जब हम 5 और 3 को मिला दे, इसका भी एक अलग से डायग्राम है, तो क्या बनता है? 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है. अब डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डीएनए का स्ट्रक्चर का जो मॉडल होता है वो होता है डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया, इसके बारे में कुछ भी किया, तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है फ्रेडरिक माइस्कर का. इन्होंने फर्स्ट टाइम डीएनए को आइडेंटिफाई किया. और क्या कहा इन्होंने? कि जो डीएनए होता है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. मतलब ये बहुत पहले टाइम की बात है, जब डीएनए को हम डीएनए नहीं कहा करते थे. जब उसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था, तो किसने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था? डीएनए को आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक माइस्कर ने. इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक प्रेजेंट होता है एक सब्सटेंस, ये कहा था कि जो सब्सटेंस है वो कैसा है? वो एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक सब्सटेंस है. और उसका नाम रखा गया था न्यूक्लियन. बाद में जाके इसी न्यूक्लियन को डीएनए का नाम दिया गया. सेकंड साइंटिस्ट हैं विल्किंसन फ्रैंकलिन. इन्होंने प्रोड्यूस की थी एक्सरे डायफ्रेक्शन डाटा फॉर डीएनए स्ट्रक्चर. डीएनए को स्ट्रक्चर को पता करने के लिए इन्होंने डायफ्रेक्शन की टेक्निक यूज की थी, जिससे कि एक्सरे को प्रोड्यूस किया जाता है. वॉटसन एंड क्रिक, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इन्होंने प्रपोज किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल दिया था डीएनए का, जो बेस था किस पर? एक्सरे डायफ्रेक्शन डाटा पे. यानी कि ऊपर वाले दोनों का ही जो काम है, इन्होंने एड ऑन करके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर दिया, जिसको हम आज तक भी यूज करते हैं. नेक्स्ट साइंटिस्ट है इरविन चारगॉफ. इन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया था जिसको हम चारगॉफ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं. इन्होंने प्रपोज किया था कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड, जो डीएनए होता है उसके अंदर जो रेशियोज होते हैं ए टी. व्हाट इज ए एंड टी? ए मींस एडेनिन, टी मींस थायमिन, सी फॉर साइटोसिन एंड जी फॉर गुआनिन. ये चारों ही रिमेन सेम रहते हैं और इक्वल होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डीएनए का होता है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं डीएनए का. इसके अंदर ये क्या है? ये बेस पेयर है. बेस पेयर किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं? एडेनिन हमेशा जुड़ता है थायमिन के साथ, या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि थायमिन हमेशा जुड़ेगा किसके साथ? एडेनिन के साथ. गुआनिन कंबाइन होता है साइटोसिन के साथ, और वी कैन से साइटोसिन विल बी कंबाइंड विद गुआनिन.
सो बेस पेयर क्लियर है। अब ये जो ब्लू कलर का एलिमेंट है ये किससे बना होता है, ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बनाता है। इन आर डीएनए टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर फॉर्म, दिस इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस इज सेकेंड, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉइल्ड टू फॉर्म अ हेलिक्स, शुगर फॉस्फेट फॉर्म्स बैकबोन ऑफ दिस हेलिक्स व्हाइल बेसिस प्रोजेक्ट इनवर्ड्स टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स विद ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे एडिनिन थायमिन के साथ जुड़ रहा है या फिर ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक के अपोजिट, अपोजिट बेस पेयर्स हैं। और ये किससे बॉन्ड करते हैं, किससे पेयर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें भी क्या है कि एक दो टर्म और आती है, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। जैसे एडेनिन थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसे ही प्यूरिन का कॉम्प्लीमेंट्री है पाइरिमिडिन। एडेनिन और थायमिन जब पेयर होते हैं तो इसमें टू हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आप यहाँ देखिए दो लाइंस है ना, दो इमेजिनरी लाइंस, यानी टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे वर्क। बट ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर या बीच में कितनी है, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ऐसा नहीं कि ग्वानिन ही साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन भी ग्वानिन के साथ जुड़ सकता है, वो आप यहाँ देखिए फोर्थ नंबर के। अब हम बात करते हैं लेंथ कितनी होती है, कितने बेस पेयर्स होते हैं। द हेलिक्स इज राइट हैंडेड, पिच, पिच मतलब उसकी विड्थ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, डीएनए के हर टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, पैकेजिंग किस तरीके से की जाती है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाले दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है डीएनए के अंदर कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। जब हम नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10^-9 से। जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मीटर में आ जाता है। अब अगर हम ह्यूमन डीएनए के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स की बात करें कि कितने बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर, दैट इज 6.6×10^9 बेस पेयर। ह्यूमन डीएनए के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, 6.6×10^9 बेस पेयर। टोटल लेंथ कितनी होती है ह्यूमन डीएनए की, टोटल लेंथ होती है, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नंबर ऑफ बेस पेयर से, तो टोटल लेंथ आ जाती है। टोटल लेंथ कितनी आती है, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा लार्ज है टू बी एकोमोडेटेड इन द न्यूक्लियस, कि वो न्यूक्लियस के अंदर समा सके, न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट कर सके। तो क्या करते हैं, डीएनए को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसकी पैकेजिंग इस तरीके से की जाती है कि वो न्यूक्लियस के अंदर क्या आ सके, एकोमोडेट कर सके। अब डीएनए जो होता है उसके लिए दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, फर्स्ट इज प्रोकैरियोट, सेकंड इज यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिंगल सेल हो। अब सिंगल सेल अगर है तो उसमें न्यूक्लियस तो है ही नहीं। अब अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए क्या स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ होगा, क्योंकि डीएनए किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। बट प्रोकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो जो हमारा डीएनए होता है वो स्कैटर्ड होता है। अब सर्टेन रीजंस में जो न्यूक्लियोइड्स बनाता है, न्यूक्लियोइड, अब डीएनए दो तरीके का होता है, मतलब डीएनए एक ही तरीके का होता है, बट डीएनए के पार्ट्स के बेस पर हम कह सकते हैं डीएनए के अंदर दो तरीके के पार्ट्स है, फर्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिवली चार्ज। अब होता क्या है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो नेगेटिवली चार्ज वाला पार्टिकल है, जो पार्ट है, इज ऑर्गेनाइज इनटू लार्ज लूप्स, लार्ज लूप्स में ऑर्गेनाइज हो जाता है एंड इज हेल्ड बाय, और उसके पास में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ये बात हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। अब हम बात करते हैं किसकी, यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, दे हैव पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। यूकैरियोट्स के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम हिस्टोन बोलते हैं। दिस इज न्यू टर्म एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है, दैट इज हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर, ऑक्टा वर्ड का मतलब ही होता है एट, जैसे ऑक्टोपस जिसके 8 लेग्स होते हैं, मैथ्स के अंदर हम बोलते हैं ऑक्टागन, 8 साइड्स होते हैं, तो ऑक्टा मतलब 8, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 8 ही होगा। हिस्टोन ऑक्टामर है तो क्या होगा, यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन,
जब स्टोन के 8 मॉलिक्यूल साथ में यूनिट एक कंबाइंड फॉर्म बना लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज, अब यूकेरियोट्स के केस में क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज वाला डीएनए होता है वो विंड अराउंड यानी घूमता है, रहता है किसके चारों तरफ, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ। और हिस्टोन ऑक्टामर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और यही जो स्ट्रक्चर है ये मिलके क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है। ये रहा हमारा डायग्राम एनसीईआरटी का ही है। आप यहाँ पर देखो ये जो एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। व्हाट इज हिस्टोन ऑक्टामर, यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, इसके चारों तरफ क्या है, डीएनए। अब ये स्ट्रक्चर बन गई कौन सी, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होंगे, दिस इज अ क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वन न्यूक्लियोसोम हैज अप्रोक्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। How much? 200 base pairs of DNA. एक nucleosomes के अंदर approximately 200 base pairs of DNA होते हैं। Nucleosomes in a chromatin resembles beads present on strings. String के ऊपर ये एक तरीके से beads की तरह resemble होते हैं। What is beads? जैसे एक माला के अंदर मोती होते हैं ना, beads से। So जब इनको metaphase के अंदर ये जाता है, metaphase के अंदर क्या, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना होता है, तब ये क्या कंडेंस हो जाते हैं और कॉइल कर लेते हैं, चारों तरफ पैक्ड हो जाते हैं, जिससे कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो सके। लास्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके थे हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए, सो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन डीएनए। बट फ्रॉम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 22 पेयर्स वी आर कॉल्ड व्हाट, प्रोटोसोम्स, एंड वन पेयर रिमेनिंग और द 23rd पेयर of chromosome is known as sex chromosome. So this is all about DNA, DNA structure, DNA packaging, what is DNA, how the forms bond, phosphodiester bond, glycosidic bond. These are some scientists who give their data or the synthesis of how DNA form, how it identify, Chargaff principle, Watson and Crick. This is the very important ki kaun sa model tha, double helix model. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल था, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट।